इसी सेक्शन के अंदर टाइमली पेमेंट को सैलरी मींस द पेमेंट ऑफ सैलरी व्हेन मेड टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉय विद इन टू मंथ्स. ये जितने ड्यूज हैं उस एम्प्लॉय के, चाहे वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय है जो आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, आपने एक एचआर कंपनी से हायर करके उसको हायर किया है और आपके वो आपसे पैसे ले रहा है, या एचआर कंपनी आपके उसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे ला रही है, उसकी सैलरी अगर 2 महीने की, और इसमें भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अमेंड का, पीएफ यूजे का, उन सब की मुआवनत से, पीबीए की, ये 3 मंथ्स पे था, इसको 2 मंथ्स के ऊपर हमने लॉक किया है, और इसमें आप लोगों की सैलरी अगर 2 महीने के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट की एंड एम्प्लॉई ऑफ द लाइसेंसी ऑफ द पेमरा नहीं मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट बिजनेस नहीं देगी. ये बाय लॉ है. और आईटीएनई के अंदर जिस तरह हमने 13 करोड़ रुपए इन 14 महीने में रिकवर करा के बैंक अकाउंट से वर्किंग जर्नलिस्ट को तनख्वाहें दी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था. ये पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कानून में तब्दीली करके आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, डिसीजन मेकिंग की भी और अपने राइट्स की भी, और उसके साथ साथ उसको बांधा गया है कि 2 महीने में इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ा गया कि टाइमली पेमेंट्स, इसको बांध कर 2 मंथ्स में अगर सैलरी नहीं देंगे तो उसको बिजनेस गवर्नमेंट बाय लॉ, कोई डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट उसको बिजनेस नहीं दे सके. उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी, द रिमेनिंग 2 मेंबर्स शैल द डिवीजन टू बी बिजनेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस स्टैंड्स एलोकेटेड बी अपॉइंटेड ऑन नीड बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन एंड दे शैल नॉन बी नॉन वोटिंग एन ऑनररी मेंबर, वन फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर एंड वन फ्रॉम द पीएफ यूजे जर्नलिस्ट. जो अथॉरिटी के अंदर 2 सीट्स एड की गई हैं, इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर 2 सीट्स एड की गई हैं, इसी तरह आप चेयरमैन पेमरा से तमाम इख्तियार लेकर, जैसे मैंने आपको पहले कहा वो 3 मेंबर कमेटी और उसके बाद वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर उस डिसीजन मेकिंग को लिया गया है. डेलीगेशन ऑफ पावर भी जहां मौजूद थी वो सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देती थी पावर टू द चेयरमैन पेमरा और उसके बाद वो सस्पेंशन बैन सब कुछ शुरू हो जाता था. इसमें हमने डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी टू द चेयरमैन पेमरा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो provided that the delegation of such power shall not include the power to grant, to revoke or to cancel a broadcasting media or distribution service license except cable TV, provided further that to the extent that the suspension of the broadcasting media license, the authority may delegate its power to the chairman and to the 2 members of the authority. ये वाला भी जो एक arbitrary वो था इख्तियार चेयरमैन का, उसको खत्म कर दिया गया सस्पेंशन बैन और रिवोक करने के लिए और ग्रांट करने के लिए लाइसेंस को. और उसके बाद जो रेगुलर प्रोग्राम, अच्छा उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट को वो किया गया है, एक कैप की गई है 20 मिनट्स के ऊपर, वो इसमें एक अमेंडमेंट की गई है. उसके बाद जो टाइमली पेमेंट ऑफ द सैलरीज, मैंने पहले बता दिया कि 2 मंथ्स के साथ सेक्शन 20A में नया सेक्शन डाला गया है. और ये भी मैं वाजिया कर दूं, पहले कोई नुमाइंदगी मीडिया स्टेक होल्डर की पेमरा के अंदर नहीं थी, ये यक तरफा रेगुलेटरी बॉडी थी, क्योंकि जब ये 2002 में बनी तो एक डिक्टेटर था, उसने अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी डायरेक्शन को करने के लिए इसमें कभी तब्दीली नहीं आई. ये पहली दफा है इसको को रेगुलेट करके ये इख्तियार डिसीजन मेकिंग और नुमाइंदगी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंक्लूडिंग वर्किंग जर्नलिस्ट को दी गई है. उसके बाद जो ऑब्लिगेशन ऑफ लाइसेंसी टू पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉयज सैलरीज टाइमली, 20A न्यू सेक्शन एड किया गया. इसी तरह गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया आपकी सैलरीज के साथ, सेक्शन 20B इसमें एड किया गया है. उसी तरह सेक्शन 20C काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को चेंज करके काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर रिव्यू, अच्छा ये भी पहली दफा कि अब आप वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो COC में लॉन्च कर सकता है. कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है विद योर एम्प्लॉई और वो जो लाइसेंसी है पेमरा अथॉरिटी का, उसके अंदर आपको कंप्लेंट लॉन्च करने का इख्तियार दे दिया गया है, चाहे वो आपकी वो लॉन्च, और वो खाली आपकी तनख्वाहों से लिंक्ड नहीं है, कि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपका मसला है, आपका डिस्प्यूट है, आपको अदालतों के चक्कर ना खाने पड़े डेफामेशन लॉ के अंदर, आप लोगों को वहां ना रुलना पड़े, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है पेमरा का कानून का हिस्सा बनाया गया है. अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त.
अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।